हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विथ मी हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेडीमेड स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग उसके लिए मैंने लिया है ढाई मीटर का कॉटन का फैब्रिक और ये है, मेरे पास लेस जो है दो मीटर की और आज कल ये कॉटन की लेस बहुत ट्रेंड में है तो आप इस टाइप का लेस का डिज़ाइन अगर अपनी कुर्ती में डालेंगे तो आपकी कुर्ती का लुक जो है बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगेगा तो चलिए फैब्रिक को हम कर लेते हैं ओपन और ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं करनी होगी चोली की कटिंग तो हम चोली के लिए यहाँ साइड से फैब्रिक निकाल लेंगे जितनी भी आपकी चोली की लेंथ हो उस लेंथ के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक निकाल लें तो मैंने यहाँ चोली की लेंथ जो है 17 इंच निकाली है मेरी चोली की लंबाई है 16 इंच और वन प्लस मैंने मार्जिन का दिया है अब यहां से हम लगाएंगे शोल्डर का मार्क तो मैं लगा रही हूं सेवन इंच पर शोल्डर का मार्क इसके बाद इसी के नीचे से लगा लेंगे हम आरमोल की लेंथ का मार्क तो सेवन इंच पर हम लगा रहे हैं आरमोल की लेंथ का मार्क अब इसके पास से हम लगाएंगे चेस्ट की मार्किंग तो चेस्ट का साइज आपको निकालना है जो भी आपका चेस्ट का साइज है आपको उसमें फोर में डिवाइड करना है और हाफ इंच प्लस लूजिंग का देना है तो यहां पर मेरा साढ़े आठ इंच आ रहा था तो मैंने हाफ इंच प्लस करने के बाद नाइन इंच पर चेस्ट की मार्किंग कर ली है इसके बाद लगाइए हम कमर की लेंथ का मार्क तो कमर की लेंथ जो होती है वो आती है फोर्टीन प्लस हाफ इंच पर मैं यहां लगा रही हूँ फिफ्टीन इंच पर क्योंकि ये फ्रॉक की चोली है इसलिए कमर का साइज लगा रही हूँ मैं सेवन प्लस हाफ इंच पर इसका भी वही मेथड रहेगा जो भी आपका कमर का साइज़ है आपको उसमें फोर में डिवाइड करना है प्लस हाफ इंच लूजिंग का अब हमें दोनों मार्क को मिला देना है इस तरीके से अब हमें मार्जिन के लिए मार्क लगाना है तो टू इंच टू इंच का निशान लगा लेंगे हम यहाँ पर और टू इंच का निशान लगा लेंगे हम यहाँ पर, पर और दोनों मार्क को हम मिला देंगे तो ये हमारा मार्जन का भी निशान लग चुका है अब ये हमारा बैक होल की लेंथ का मार्क था अब हमें फ्रंट होल की लेंथ का मार्क निकालना है तो हम यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमने निशान लगाया था वहीं से तो ये हमारा फ्रंट होल का मार्क हो जाएगा और ये बैक होल का अब हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे दोनों में मैंने राउंड शेप दे दिया है ये फ्रंट का हो गया ये बैक का हो गया फ्रंट का आरमूल हमेशा हाफ इंच अंदर की तरफ रहता है बैक आरमूल से थ्री इंच पर मैंने लगाया है नेक का मार्क और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाकर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे निशान हमारा लग चुका है अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग Osionfish. तो नेक अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आपको जितना नेक की चौड़ाई रखनी हो जितनी नेक की लंबाई रखनी हो तो अपने अकॉर्डिंग आप गले की लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं तो हमारी चोली की कटिंग हो चुकी है अब इसमें से हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे और बैक पार्ट को अलग कर देंगे फ्रंट पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे और जो फ्रंट पार्ट पे हमने फ्रंट आरमूल की मार्किंग की थी उसकी हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट पे फ्रंट आर्मोल की गहराई देना बहुत जरूरी होता है तभी कुर्ती या कुर्ता फिटिंग का बनता है तो ये गहराई मैंने दे दी है अब हम कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग इसके लिए मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रखा हुआ है और इसकी लेंथ है सेवनटीन इंच सिक्सटीन इंच लेंथ है और वन प्लस इंच मैंने मार्जिन का लिया है और यहां से इसकी चौड़ाई मैंने ली है नाइन इंच सबसे पहले हम थ्री इंच ऊपर लगाएंगे ब्रोडनेस का मार्क एक निशान लगाएंगे थ्री इंच का ऊपर की साइड और एक निशान लगाएंगे हम थ्री इंच का लंबाई में इस तरीके से जो लंबाई में थ्री इंच का निशान लगाया था इसको हम कर लेंगे सीधा इस तरीके से और जो हमने ऊपर निशान लगाया था इस निशान को हम नीचे की साइड गहराई देते हुए इस निशान से मिला देंगे इस तरीके से अब हम देंगे नीचे फिटिंग की निशान तो आपका जो भी फिटिंग का साइज हो उसमें एक इंच प्लस लूजिंग का देंगे तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है सिक्स इंच पर और वन इंच लूजिंग का तो हमारा होगा सेवन इंच पर फिटिंग का मार्क आप इस निशान को हम ऊपर तक मिला देंगे इस तरीके से और मार्जिन का भी निशान हम मिला देते हैं इस तरीके से तो आज की निशान कंप्लीट हो चुका है अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग कटिंग हो चुकी है अब इस तरीके से हम फ्रंट आमूल की भी कटिंग कर लेंगे अब हमें निकालना है घेर तो जो भी फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है उसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है तो इसकी हमारी फुल लेंथ है जो भी फैब्रिक बचा हुआ है और जो भी फैब्रिक था उसकी फुल चौड़ाई है 42 इंच तो इस फैब्रिक को हम बीच से कट कर देंगे और दो अलग अलग पार्ट निकाल लेंगे तो हम कर लेते हैं अब स्टिचिंग स्टार्ट तो सबसे पहले हमें चोली रेडी करनी होगी उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट लेना है और इसके ऊपर हमें लेस की डिजाइनिंग डालनी है तो मैं इसके ऊपर निशान लगा लेती हूँ कि, कि किस तरीके से मुझे लेस की डिजाइनिंग डालनी है तो मैंने एक रेक्टेंगल टाइप का शेप बना लिया है यहाँ से लंबाई में और एक बीच में निशान लगा लिया है सेंटर में तो मैंने सेंटर में भी लेस लगानी है और इस टाइप से मुझे जो जो निशान लगाया उसके ऊपर लेस लगानी है आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन डाल सकते हैं लेस का तो मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ अगर आपको वो तरीका पसंद आए तो आप उस तरीके से भी अपनी कुर्ती पर डिज़ाइन डाल सकते हैं तो सबसे पहले हम एक सेंटर में इस तरीके से लेस लगाएंगे इसके बाद में हम इसकी ऊपर से जो निशान लगाया है फिर लेस लगाएंगे तो पहले हम लगा लेते सेंटर में लेस तो इस तरीके से पहले हमें एक साइड सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारा निशान लगाया वहाँ तक फिर दूसरी साइड में भी हम इस तरीके से लेस को स्टिच कर लेंगे अब जो हमारा ये वाला पार्ट है हम इसको भी सिल लेंगे ताकि लेस अच्छे से फैब्रिक के ऊपर ज्वाइंट हो जाए तो देखिए हमने सेंटर में लेस लगा ली है अब हम जो निशान लगा था, उसके ऊपर भी लेस लगा लेंगे और यहां से जो हमारा कॉर्नर आ रहा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और लेस को घुमाकर इस तरीके से इस लेस के ऊपर लगा देंगे तो ये वाला डिजाइन बहुत प्यार लगता है बनने के बाद जब तक हम कुर्ती पर लेस लगा रहे हैं तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे तो देखिए लेस लगकर तैयार हो चुकी है अपर पार्ट पर और अब हम इसमें करेंगे राउंड नेक की कटिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग नेक की कटिंग कर सकते हैं मैं राउंड शेप का नेक बनाऊंगी तो इसके लिए मैं इसको ऊपर राउंड शेप की कटिंग कर लेती हूँ नेक की तो हमने कटिंग कर ली है इसकी राउंड शेप की फ्रंट पार्ट की आप कोई सा भी शेप इसमें दे सकते हैं बी शेप स्क्वायर शेप जो भी आपको करना हो आप चाहे तो बकरम का पर ही बना सकते हैं मैं बकरम पर नहीं बना रही हूँ मैंने पहले कटिंग कर ली है राउंड शेप की और इसमें मैं और एक पट्टी लगाऊंगी उसके लिए मैंने बॉटम का कुछ फैब्रिक बचा था तो मैंने इसके ऊपर और एक पट्टी के लिए ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली है और अब इसको कट कर लेंगे तो ये छोटी छोटी पट्टियाँ मिली थी मैंने इसको ज्वाइंट करके एक लंबी पट्टी बना ली है और इसको प्रेस की हेल्प से डबल फोल्ड कर लिया है अब इसको फ्रंट से कुछ इस तरीके से गले के ऊपर हम स्टिच करेंगे तो बहुत इजी होता है और एक पट्टी वाला गला बनाना मुझे ये बहुत पसंद है और पहनने पर भी इसकी फिटिंग अच्छी आती है इसलिए मैं ज़्यादातर तो कुर्तियों में इसी टाइप का गला बनाना पसंद करती हूँ तो ये मैंने पट्टी पूरे गोल गले में अच्छे से स्टिच कर ली है देखिए, अब हम इस पट्टी को इस तरीके से पलट लेंगे कुर्ती के बैक साइड में और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे आप चाहें तो बाद में इसके ऊपर तुरपाई कर लें उससे फिनिशिंग और भी अच्छी लगती है तो चलिए लगा लेते हैं इस पट्टी के ऊपर बाहर की तरफ सिलाई देखिए कितनी आसानी से ये पट्टी पलट जाती है और बहुत ही फिनिशिंग से ये गला बनकर रेडी हो जाता है देखिए ये राउंड शेप का गला मैंने फ्रंट पार्ट पर बना लिया है अब हम इसी तरीके से जो बैक पार्ट है उसके ऊपर भी राउंड शेप का और पट्टी वाला गला बनाकर तैयार कर लेंगे तो देखिए हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों के गले बनकर तैयार हैं अब हम इन दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से हम एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे और दोनों कंधों पर सिलाई लगा देंगे सीधी सीधी तो दोनों पार्ट हमारे जॉइंट हो जाएंगे इसके बाद हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे तो दोनों आस्तीन को हमें अलग अलग कर लेना है और इसके नीचे के पार्ट को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और उसके ऊपर ये बची हुई लेस को भी लगा लेना है आप चाहें तो नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं मैं हा ऊपर की तरफ से लगाऊंगी ये लेस को चोली का शोल्डर हमने अटैच कर लिया है अब हम इस चोली में करेंगे स्लीव्स अटैच तो चोली को इस तरीके से खोलकर हम बिछा लेंगे और इस बात का ध्यान रखना जब आप स्लीव्स अटैच करें तो जो हमने फ्रंट आमूल में गहराई दी थी और स्लीव्स की फ्रंट में जो गहराई दी थी वो मिलने चाहिए एक दूसरे से और इस तरीके से पकड़कर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें चोली में आस्तीन को स्टिच कर लेना है तो देखिए हमने चोली में आस्तीन स्टिच कर ली है अब हम इस चोली में घेर को अटैच करेंगे तो घेर कैसे अटैच करना है चलिए देख लेते हैं चोली के ऊपर जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था घेर वाला उसको इस तरीके से रखना है और जो भी फिटिंग का मार्क है वहाँ से बहाँ तक हमें प्लेटें डाल लेनी है इस तरीके से इस तरीके से हम प्लेटें डालते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे आप चाहें तो पहले प्लेटें डाल लें बाद में चोली के ऊपर घेर को अटैच कर लें बट मैं साथ में ही प्लेटें डालती जाऊंगी और घेर को चोली में अटैच करती जाऊंगी तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई फ्रंट और बैक पार्ट पर तो देखिए हमारा जो चोली में घेर है हमने स्टिच कर लिया है बैक और फ्रंट दोनों घेर स्टिच हो चुके हैं अब हम इसमें नीचे वाला जो हमारा घेर का पार्ट है नीचे बॉटम उसको डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और उसके बाद हम पूरी कुर्ती में आस्तीन से लेकर नीचे तक फिटिंग डाल लेंगे जो आपने फिटिंग का निशान लगा रखा है उसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से हम इसके ऊपर फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद देखते हैं कि फाइनल लुक कैसा आया तो ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत प्यारी और बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ती देखने में लग रही है आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय